आप लोगों को बताना क्या चाहूँ, आप लोग खुद ही टीवी चैनल से लेकर पेपर मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि इस क्षेत्र में एक क्षेत्र है पीर बक्का, वहाँ पे 12 जमाती लोग आ गए थे, लेकिन हमारे एसओ साहब की देखिए ऐसी जानकारी हुई, प्राप्त हुई, और उन्होंने इतने सिस्टमैटिक ढंग से इतना जोरदार कार्य करके उनको लिया, और आज हम लोगों का राजा जीपुरम उसी की वजह से एक भले पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बाद एक भी क्षेत्र में कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ, पूरा सील कर दिया गया और एक भी नहीं पाया गया। दूसरी एक घटना मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे इस क्षेत्र में माहौल गड़बड़ा जाए, ऐसे लोग जिन्होंने पूरा सोच लिया था कि क्षेत्र को गड़बड़ा दें, और जो हम लोग जो लोग निकलते हैं, जो लोग राशन दान कर रहे हैं या ब्रेड है पूड़ी है सब्जी कर रहे हैं, उसी प्रकार लोग कुछ लोग ऐसे भ्रांतियां फैला दिया और लोग उसमें मीट और ये सब करके बांट रहे थे, लेकिन जैसे तत्परता से आपको पता चला, उन्होंने उस लेडीज़ को उनके साथ जो लोग लगे हुए थे ऐसे लोगों को जेल भेज करके एक बहुत अच्छा पुनीत का कार्य किया, जिससे इस क्षेत्र की जनता जो अफवाह था और भी जो चीज़ें थी तमाम ई ब्लॉक में जो भीड़ इकट्ठा होती थी, सब्जी मंडी में भी थी, उसको भी केंद्रित करने का काम हमारे एसओ साहब ने किया। हमारे बीच में श्रीवास्तव जी हैं, हम जानते हैं बोलते नहीं, लेकिन आज श्रम दिवस है, इसलिए मैं चाहूँगा भले दो शब्द बोले। अरे आ जाइए। और इस समय चूंकि ऐसा आपदा की स्थिति आई हुई है, तो इस समय हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, इस समय पूरी मेहनत से लगन से एक एक छोटे छोटे पॉइंट को साफ करने में लगे हुए हैं, एक एक पॉइंट सैनिटाइजेशन करने में लगे हुए हैं। जैसे पीर बक्का ये प्लेस आया था, तो इसमें बगैर डरे सारे कर्मचारी अंदर जाके उन्होंने एक एक घर को प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे इसी जोन में 4 प्लेस और निकल के आए हैं, उन चारों प्लेसों पर भी इसी तरह सारे कर्मचारी जाके इस समय सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक घर से अंदर ही रहें, जिससे हम लोग जब बाहर निकलें तो हम लोग अच्छे से काम कर सकें। तो बस चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छे से करें, किसी भी तरीके से बाहर ना निकलें, बहुत आवश्यकता हो तभी निकलें, और एक आध निकल के और अपना काम निपटा आ जाए। कुछ लोग इधर आ जाए, यहां से डालिए ना, इधर से कुछ लोग इधर आ जाए, यहां से इधर इधर आ जाए, दूरी दूरी से दूरी बना लीजिए, दूरी पीछे ना। माता की जय, भारत माता की जय। यूपी पुलिस सिविल डिफेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी पुलिस सिविल डिफेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी पुलिस सिविल डिफेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ताली में कंजूसी मत करिए, ताली में आते ही आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए आप लोग। परिवार की तरह धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24x7। आज हम लोग आ पहुंचे हैं राजाजीपुरम क्षेत्र में, जहां पर राजाजीपुरम जनसेवा समिति के अध्यक्ष श्री शैलेश वाजपेयी शीलू जी ने यहां के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया है। आइए इस मौके पर बात करते हैं यहाँ के SHO श्री धनंजय सिंह से। सर, आपको यहाँ पर कैसा लगा आने के बाद? मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई, यहाँ के लोगों का प्रेम और स्नेह देखकर बहुत बढ़िया कमी होती हुई, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग बहुत बढ़िया लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी आना नहीं चाहते थे कि फूल मालाओं से भी एक डिस्टेंसिंग के रूप में ये उचित नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का प्रेम और स्नेह देकर हम लोग आए हैं, और हमारा यही संदेश है कि हर आदमी यहाँ पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कड़ाई से पालन करें, क्योंकि हर आदमी देख रहा है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नामी अपील करते हुए चरणबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग लागू किए हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी
डेली डे बाय डे टीम 11 की मीटिंग ले रहे हैं, यहाँ जनता के लिए कितना एक आदमी के लिए संजीदा है कि अपने पिताजी के मृत्यु होने के उपरांत भी राजधर्म का पालन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो हमारा आपका सबका ये कर्तव्य है कि सभी लोग इस महासमर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें, जैसे कि हमारा क्षेत्र, प्रदेश और देश इस कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचा रहे। यही हमारी सबके लिए संदेश भी है, सबके प्रति शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया संदेश दिया सर ने। मैं चाहूंगा समिति के अध्यक्ष श्री शैलेश वाजपेयी शीलू जी से भी बात करी जाए, प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया कैसा लगा? इसका विषय है और दिन है कि आज 1 मई श्रम दिवस है और हम लोगों का समिति का राजाजीपुरम जनसेवा समिति के लोगों का, इस मोहल्ले के खासकर महिलाएं लोगों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, क्षेत्र के निवासियों द्वारा जो आज ये कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे एसओ साहब का हमारे और अन्य पुलिस कर्मियों का, हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन के पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन और आज जो श्रम दिवस है हमारे इस क्षेत्र के इंस्पेक्टर, नगर निगम के इंस्पेक्टर, इस क्षेत्र के सुपरवाइजर, इस क्षेत्र के सफाई कर्मचारी और मीडिया कर्मियों का स्वागत आज हम लोगों ने किया। हम लोगों का सौभाग्य है और ये प्रेरणा हमको माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी के जी ने जो प्रेरणा दी उसके माध्यम से हम लोगों के उन्होंने माध्यम बताया। उनका कहना है कि हर मोहल्ले में जो हमारे योद्धा हैं, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी और कहीं ना कहीं मीडिया का नियम का भी नाम, और बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने, अभी एसओ साहब ने भी बताया था कि जिन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद भी वो मृत में ना शरीक होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दिन रात एक करने का काम किया, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं सभी लोगों से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे से हमारा ये कार्यक्रम जो सोशल डिस्टेंसिंग का था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सोशल डिस्टेंसिंग मनाइए जिससे कोरोना का अंत होगा, आज वो समय आ गया है। धीमे धीमे स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि हम लोग को जो अच्छा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं उसका तात्पर्य है कि आज हमारा भारत देश ऐसा है और हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में ऐसे प्रथम नागरिक हैं जिन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, तो उनके लिए भी तालियों से स्वागत है।